कश्मीर, ऑनरेबल एमपी भी हैं राज्यसभा से, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट, सीनियर कांग्रेस लीडर, हमारे ताराचंद जी, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, वर्किंग प्रेसिडेंट जेएंडके पीसीसी रमन बल्ला साहब, बलवान सिंह जी एक्स एमएलए, और खासकर हमारे साथ यहाँ सोलंकी भारत सिंह सोलंकी जी जो एक्स यूनियन रेलवे मिनिस्टर रहे हैं, गुजरात से हैं और कांग्रेस के वहाँ का दो बार प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मनोज यादव जी हमारे को इंचार्ज जम्मू कश्मीर, निजामुद्दीन खटाना साहब जो एक्स एमएलसी हैं और काफ़ी सीनियर लीडर हैं जो आज ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, और गुलजार अहमद खटाना साहब जो गजर बकरवाल कौन इससे जो गुजर बकरवाल बोर्ड के वाइस चेयरमैन रहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस था, दोनों डीएपी से कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, और उनके साथ ये सारी काफ़ी सारी लिस्ट जो है जो यहाँ हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, द्वारका नाथ शर्मा जी बीडीसी चेयरमैन, मदन लाल शर्मा जी डिस्ट्रिक्ट रूरल जनरल सेक्रेटरी डीएपी के, ओम प्रकाश शर्मा जी डिस्ट्रिक्ट रूरल जनरल सेक्रेटरी डीएपी के, जगलार सिंह जी एक्स प्रेसिडेंट म्युनिसिपैलिटी खोड़, दलजीत सिंह एक्स प्रेसिडेंट, जगदीश जी एक्स प्रेसिडेंट, कालीदास एक्स प्रेसिडेंट, बंसीलाल जी एक्स पीसीसी मेंबर, तरसीम चंद जी एक्स काउंसलर, करण भगत जी एक्स काउंसलर, नीलम रानी जी एक्स काउंसलर, शमशेर सिंह चिप जी एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू रूलर डीएपी, दीप भरद्वाज जी एक्स कांग्रेस कंटेस्टिंग कैंडिडेट, गुलभूषण सिंह जम्वाल जी प्रेसिडेंट डीएपी जम्मू नॉर्थ के एक्स अभी तो ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, रमन शर्मा जी सीनियर डीएपी लीडर, रामपाल शर्मा जी सीनियर डीएपी लीडर, जय कुमार शर्मा जी वाइस प्रेसिडेंट डीएपी जम्मू, दर्शन मोटन जी वाइस प्रेसिडेंट डीएपी रूलर, दर्शन मेहरा जी फाउंडर मेंबर ऑफ डीएपी, डॉक्टर बंसीलाल वाइस प्रेसिडेंट डीएपी मढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी, गुलभूषण कुमार जी एक्स म्युनिसिपैलिटी म्युनिसिपल कमेटी प्रेसिडेंट, शरद चंद्र शर्मा जी फाउंडर मेंबर डीएपी, राकेश कुमार जी फाउंडर मेंबर डीएपी, शिव कुमार जी रिटायर्ड एसओ जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसी तरह से बशीर अहमद भट्ट साहब, गुलाम मोहम्मद पटर साहब, मोहम्मद शफी मलिक साहब जो ज्वाइन करने आए हैं, पीर मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अशरफ चौहान, हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला मीर, गुलाम मोहम्मद बाबा, मुश्ताक अहमद पडर, हाजी निसार अहमद शेख, हाजी मोहम्मद यूसुफ, मुश्ताक अहमद, तोयब चौहान, बंसीलाल रैना, बशीर अहमद शाह, बाबा गुलजार जो फाउंडर मेंबर हैं डीएपी के, गुलाम मोहम्मद वानी साहब फाउंडर मेंबर डीएपी, अब्दुल रहमान फाउंडर मेंबर डीएपी, बशारत खटाना फाउंडर मेंबर डीएपी, शंभुनाथ सीनियर डीएपी लीडर, आशा चौहान सीनियर डीएपी लीडर, इसी तरह से गुलजार अहमद तांत्रे एडवोकेट, तारिक अहमद फिदा जिलानी मीर, जहूर अहमद हजाम, फिरदोस अहमद खांडे, बशारत अहमद खटाना, फाजिल अहमद शेख, सलाउद्दीन खटाना, अबरार अहमद, मोहम्मद आसिफ, आसिफ अब्दुल्ला डार, मुश्ताक अहमद सीरी, फयाज अहमद लोन, ये टोटल लोग जो हैं 60 लोग जो मैक्सिमम लोग जो हैं डीएपी से हैं, जो नई पार्टी बनी थी डीएपी, तो अब तो बेसिक मेंबर भी थे, फाउंडर मेंबर भी थे, अब तो जो डीएपी बनी थी और उसमें मैक्सिमम जो लोग थे उस वक्त किसी असर रसूख की वजह से कांग्रेस पार्टी से चले गए थे डीएपी में, लेकिन अब मुझे लगता है 70-80% लोग जो है कांग्रेस जो गए थे वो बारी बारी, आपने देखा पहले भी दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई, उससे पहले मैंने श्रीनगर में कुछ ज्वाइन कराए, जम्मू में ज्वाइन कराए,
और आज जो ज्वाइनिंग है इतनी बड़ी, ये भी आज इसमें भी मैक्सिमम लोग जो हैं डीएपी से हैं। तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जो थी, मजबूत है और इंशाल्लाह मजबूत रहेगी। अभी राहुल गांधी जी भारत यात्रा लेके 19 को यहाँ पहुँचेंगे, तो आगे मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी आगे बातें होंगी मैडम रजनी पाटिल जी आपके सामने लिखा। थैंक यू वेरी मच। आप ही सबको मेरा नमस्कार, खासतौर पे पत्रकारों को मेरा नमस्कार, क्योंकि आप इतने आए हैं। मैं जो भी लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, उनको शुभकामनाएं देती हूँ, और कांग्रेस पार्टी में आप बहुत सम्मानित रूप से रहेंगे ये उनको आश्वासन देना चाहती हूँ। उन्होंने यही बोला था, ये तो 2 महीने की छुट्टी के लिए गए थे, वापस आ गए हैं, छुट्टी सैंक्शन कर दिया हमने, तो उसी कि उसके आगे का दौर है कि जो हमारे लोग उनको हम फिर स्वागत करते हैं, उनकी भी छुट्टी ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए ऊपर वालों ने, हमारे लीडरशिप ने, तो उनको हम फिर वापस उनका स्वागत करते हैं और हम सब मिलके आगे काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रागत होगा ही, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जरा मजबूत है, फिर बोले कर्नाटक में जाएगा तो अच्छा नहीं होगा प्रदर्शन, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी का राज है, कर्नाटक से मैं उससे ज़्यादा हुआ आंध्र में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश जो हिंदू हार्टलैंड बोलते हैं उसमें भी बहुत सारे उत्साह से लोगों ने उनको स्वागत किया। जो लोग रास्ते में थे सबको गले मिलाते हुए, सबको सबके दुख जानते हुए, दर्द समझते हुए राहुल गांधी जी आगे निकल के अभी तक पंजाब के बॉर्डर तक आ गए हैं। परसों यानी 19 तारीख को वो यहाँ पे लखनपुर आएंगे और लखनपुर में उनका हम स्वागत करेंगे। उनका स्वागत करते हुए हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोकल लीडर्स हैं, जो प्रादेशिक पार्टियों के लीडर्स हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ऐसा उन्होंने हमें इतला कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला साहब से मेरी खुद परसों बात हुई थी श्रीनगर में, वो लखनपुर में आएंगे, महबूबा मुफ्ती जी आएंगे, फिर तारिगामी जी आएंगे, मोहम्मद शाह आएंगे, और बाकी सभी लीडर्स यहाँ पे जो भी आना चाहता है, जो कांग्रेस के मूल्यों के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो राहुल गांधी निकले हैं उन विचारधारा पे विश्वास रखते हैं कि देश को जोड़ने का काम करना चाहिए, न कि बिखरने का काम करना चाहिए, उस धारा पे विश्वास रखने वाले सभी लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं और उन लोगों का हम स्वागत करेंगे। और सबको बहुत बहुत ही आश्चर्य, क्योंकि मैं इंचार्ज हूँ तो मुझे सब जगह से फ़ोन आते हैं, क्या जम्मू कश्मीर में यात्रा ठीक होगी, वहाँ लोग आएंगे, वहाँ ठीक से चलने देंगे? लेकिन मैं बताना चाहती हूँ सबको, मैं यही बताती हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई अच्छी यात्रा रहेगी तो वो हमारे जम्मू कश्मीर में रहेगी, इसमें मेरे मन में कोई शंका नहीं है, क्योंकि इसमें सभी की, मैं पत्रकारों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सभी ने फ़ोन करके, बात करके, बार बार हमें पूछ के बहुत सहकार्य किया है और हमें कभी भी उन्होंने उत्साहित करने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि यात्रा बहुत सफल रहेगी। अभी तो हमारे साथ और ताकत जुड़ गई है, ये सब लोग तो है ही, लेकिन और उनके साथी भी आ रहे हैं। कल श्रीनगर में हमारे ताराचंद जी और हमारे मुंगा साहब के नेतृत्व के हम यहाँ पे हैं, इसलिए वो जाएंगे और एक टीम भरत सिंह सोलंकी भी जाएंगे और उनके नेतृत्व में और एक टीम हमारी श्रीनगर में आ रही है, वो भी डीएपी के लोग हैं, वो ज्वाइन करेंगे। तो मुझे लगता है सभी को आज़ाद करने का काम हम कर रहे हैं और वो अभी हमारा सबको आज़ाद करने का काम हम करके सबको हमारे साथ जोड़ लेंगे, उनको जोड़ने का काम हम करेंगे। इतना ही कह के मैं यहाँ पे समाप्त करूँगी, धन्यवाद। मैंने तो सॉरी मैं आपको इनवाइट करना भूल गई, आपको 19 तारीख को आपको सादर निमंत्रित आप है, क्योंकि आपको सभी को आना है 19 तारीख को, हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, 3 बड़े प्रोग्राम होंगे, 19 को लखनपुर में होगा, फिर 23rd को ना 23rd को जम्मू में होगा सतवारी चौक में, और 30 को सबसे बड़ा कल्मिनेशन का प्रोग्राम जो होगा वो हमारा होगा श्रीनगर में, जिसके लिए पूरे देश और विदेश से भी, मैं बहुत समझ के बोलती हूँ, विदेश से भी हमें लोगों ने पूछा है कि कैसे होगा प्रोग्राम, तो वो सब लोग आएंगे और सभी देश सभी लोगों का एक ही इच्छा है कि कैसे प्रोग्राम हुआ, तो मैं आपको थोड़ा सा उसके लिए जानकारी देती हूँ।
रोड का ना, हाँ 19 तारीख को राहुल जी आएंगे। हेलो, पंजाब से वो एंट्री करेंगे 19 तारीख को। पंजाब से हैंडओवर सेरेमनी होगा हमारा फ्लैग का, वो होगा हैंडओवर सेरेमनी पठानकोट में। उनका एक सभा, लास्ट सभा पंजाब का होगा, उसके साथ में चल के आएंगे वो। वो आएंगे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, जहाँ पे हमारे गुलाब सिंह जी का लखनपुर में जो पुतला है वहाँ पे आएंगे। और फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी एट महाराजा गुलाब सिंह स्टैचू लखनपुर, वो बॉर्डर पे होगा 17:45 to 18:15। ये उनका प्रोग्राम है, तो वहाँ पे एक गैदरिंग होगा, एक जलसा होगा और एक अच्छा प्रोग्राम हैंडओवर सेरेमनी का होगा। लखनपुर के नियर आरटीओ के पास वो रात का मुकाम करेंगे। कंटेनर्स में राहुल जी चलते हैं, आपने सबको, आपको मालूम है, तो कंटेनर्स में सब लोग रहेंगे उनके साथ। हमारे जो स्टेट यात्री हैं उनके लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे, वो उनके लिए टेंट करेंगे हम। फिर 20 जनवरी को पद यात्रा सुबह 7 बजे शुरू होने वाली है। 7 बजे से वो शुरू होगी हाटली मोड़ चौक से, कठुआ से, और हाटली मोड़ चौक, और वो चांदनी कठुआ में ब्रेक होगी। वो छानी तो चढ़वा कठुआ में उनका रात को रहने का इंतजाम कर दिया गया है। फिर 21 जनवरी को ब्रेक डे है, हर 6 दिन के बाद 7वें दिन पद यात्रा में 20 को बताया ना हमने, 20 का चढ़वाल तो 21 को उनका ब्रेक डे होगा। 22 तारीख को फिर 7 बजे पद यात्रा रिज्यूम करेगी, वो हीरानगर मोड़ से शुरू करेगी और वो आएगी डुग्गर हवेली सांबा में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में आएगी। उसके बाद में हॉल्ट एट चक नानक सांबा, वो वहाँ पे उनका हॉल्ट होगा। 23 जनवरी को 7 बजे फिर शुरू होगी विजयपुर से सांबा में, और फिर वो आएगी सतवारी चौक में आएगी। सतवारी चौक में 12 बजे हमारी मीटिंग होगी और बड़ा जलसा होगा। नाइट हॉल्ट होगा जम्मू के सिद्रा में होगा। 24 जनवरी को पदयात्रा जाएगी सिटीनी बाईपास नगरोटा नियर टोल गेट से, वो जाएगा नगरोटा से वो जाएगा झज्जर कोटली में लंच होगा। उस दिन 2 बार यात्रा चलेगी, नॉर्मली हमेशा 2 बार ही चलती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के कारण उन्होंने 1 बार ही चलाया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ठंडा ज़्यादा है तो पदयात्रियों को तकलीफ़ न हो, इसलिए हमने ये उनको रिक्वेस्ट किया था। पदयात्रा फिर 3 बजे रिज्यूम करेगी और आर्मी गेट से लाके उधमपुर तक वो चलते जाएंगे, दुमेल तक। फिर उनका हॉल्ट होगा रामबन में रात को। फिर 25 जनवरी को इनके हाँ आगे का प्रोग्राम उन्होंने देना है, आगे का नहीं हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, आगे का प्रोग्राम वो बाद में दे देंगे। 24 तक है, 24 तक जो 24 का नाइट स्टे रामन में है और 25 सुबह रामन में चलेगी। नहीं, वो ये रामन का दिया है, ये सब डिक्लेयर्ड प्रोग्राम है जो उन्होंने दिया है सिक्योरिटी वालों ने, बाकी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बाकी का आगे का प्रोग्राम हम बाद में आपको, अभी फाइनलाइज हो रहा है, फाइनलाइज हो रहा है। हम उनको फॉलो अप कर रहे हैं, हमें लगता है दे देंगे, क्योंकि बाकी दूसरी जगह कोई जगह बड़ी नहीं है कि जहाँ पे हम जलसा कर सके, हम परमिशन मांग रहे हैं। 30 का क्या प्रोग्राम है? बहुत बड़ा प्रोग्राम 30 का जो प्रोग्राम है वो हमने शेरे कश्मीर स्टेडियम में हम कर रहे हैं, और वहाँ पे पूरे देश से आपने सुना होगा कि खड़गे साहब ने 23 पार्टियों के अध्यक्षों को लिखा है, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं उनके निर्देश का। और बाकी सभी देश से सभी लोग, प्रमुख लोग आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, हमारे 4 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, CLP लीडर आएंगे, हमारे MPs आएंगे, CWC मेंबर्स आएंगे, ये सब तो जमा होंगे ही, लेकिन बाकी पार्टियों के भी लोग आएंगे, तो उनको सबको हम स्वागत करेंगे। मैं एक बताना भूल गई कि लखनपुर में संजय राउत जी जो शिवसेना के लीडर है वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। ऐसी बातें भी चल रही है कि इस यात्रा के दौरान जो है कश्मीर में राहुल गांधी की अध्यक्षता में बहुत सारे नेता जो है उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्या ऐसी कोई ज्वाइनिंग होने वाली है? ऐसा हमारे कान पे तो हमने तो कोई सुना नहीं है, जो भी है वो ज्वाइन करने की जो इच्छा व्यक्त करते हैं हम उनको ज्वाइन करने के लिए अनुमति देते हैं, क्योंकि राहुल जी कोई ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है,
ये उन्होंने जो तीन मुद्दों को लेकर वो बाहर निकले हैं उन तीन मुद्दों के ऊपर जिनका एक मत है वो हमें ज्वाइन करें। क्या कौन सी पार्टियां, कौन सी पार्टियां हैं जो मैंने जम्मू कश्मीर के लिए एनसी होगी, पीडीपी होगी, शिवसेना होगी, एनसीपी होगी और आवामी नेशनल पार्टी, आवामी नेशनल पार्टी होगी। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है बरी, अभी तक उनसे बात नहीं हुई। हाँ, श्रीनगर के लिए परमिशन मांगे, उन्होंने परमिशन दिया है। दूसरे जो महत्व के मुद्दे हैं, इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, वो आप भी सुझाव दे सकते हैं, लेकिन हमारे हमने जो निकाले हैं जिसमें लैंड का इशू जो आजकल बहुत गर्मा रहा है, उस इशू को लेकर हम राहुल जी को अवगत कराएंगे। दूसरा कश्मीरी पंडितों का इशू है, उसको भी अवगत कराएंगे। लद्दाख हम नहीं जा रहे क्योंकि लद्दाख के सब रास्ते बंद है, तो लद्दाख के जो हमेशा राहुल जी बोलते हैं चाइनीज एग्रेशन के लिए, तो लद्दाख का एक डेलीगेशन उनको 24 तारीख को मिलेगा, वो अवगत कराएगा। हमारे वहाँ पे काउंसलर्स और लोग आएंगे, 40 लोग आएंगे और वो अवगत कराएंगे राहुल जी को वहाँ की समस्याएं। तो ये सब अलग अलग डेलीगेशन मिलवाएंगे। अगर आप कुछ अलग से कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर ये करिएगा। हमने रिक्वेस्ट की है कि जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जी की हो जाए, तो वो भी उन्होंने मान लिया है कि जम्मू प्रोविंस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जाए। और श्रीनगर में दो अलग हमने बुलाए, दो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाए, तो उसके लिए भी उन्होंने मान लिया गया। जयराम रमेश जी उसके लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जी आ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला जी वहाँ पे कौन सा काम है, टनल के जब वैली में प्रवेश करेंगे तब उमर अब्दुल्ला जी मिलेंगे, वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। फारूक साहब तो यहाँ लखनपुर में आएंगे। महबूबा मुफ्ती जी ने मुझे ये बोला है कि मेरी मदर एंड मेरी डॉटर भी ज्वाइन करना चाहती है, तो हम तीनों भी साथ में करेंगे। तो शायद श्रीनगर में या मालूम नहीं, अभी उन्होंने हमें बताना है कि कब कहाँ ज्वाइन करेंगे, उनके लिए हम वेट कर रहे हैं। क्या जी, सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज ही हम एडी जी को मिले थे, सुरक्षा व्यवस्था पूरी की पूरी हम कर रहे हैं, हमारी खुद की भी सुरक्षा व्यवस्था है वो भी दे रहे हैं। प्रशासन में आपको बता दूं कि एलजी साहब भी दो बार हम मिले थे, एलजी साहब भी पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं। अभी तक निश्चित नहीं, वो जयराम रमेश जी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो आपको बताया दिया जाएगा, आपके साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा। हाँ, तो उनके नाम आएंगे तो आपको अवगत कराएंगे। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।